सर, आदरणीय बंधुओं, जय श्री राम। कोरोना से सावधान, घर से बाहर निकलना मना। ध्यान रहे, बाहर कोरोना घूम रहा है और वो कलयुगी दानव है, तुझको ढूंढ रहा है, उससे बचना है। आपको एक और मैं खुशी की बात बता रहा हूं इस बुरे वक्त में। हिस्ट्री ऑफ हेली मंडी को तैयार कर रहे हैं, शायद आपको जानकारी हो। सन 2002 के अंदर मैंने एक पुस्तक लिखी थी, देवास्थली। अब देवास्थली लिखनी थी तो उसमें बहुत ज्यादा सामान भर गया, क्योंकि 10 किलोमीटर के सराउंडिंग में जितने साधु पुरुष हुए हैं, महापुरुष हुए, क्रांतिकारी हुए, उन सबका उसमें लेख लिखा। हालांकि लक्ष्य बिंदु केवल बाबा हरदेवा पर था। अब 10 दिन, आज से 10 दिन रह गए हैं। 10 दिन में हर 15 मिनट अपने शहर के ऊपर, जितने शहर के अंदर फ्रीडम फाइटर हुए हैं, सोशल हुए हैं, डोनेटर हुए हैं, उन सबको इस प्यारे से वीडियो के अंदर हमें तैयार करना है। अब बहुत से राजनीतिक हुए हैं, बहुत से ऐसे लोग हुए हैं शहर से निकल करके उन्होंने दूर दूर तक ख्याति प्राप्त की है, इस शहर का नाम रोशन किया है। बंधु, हमारे बुजुर्गों ने बड़ा त्याग किया है, शहर ऐसे नहीं बसते, शहर को बसाने के लिए बड़ा त्याग करना पड़ता है, बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। एकदम कोई दुकान खोलने से कोई ग्राहक नहीं आ जाता, सालों तक उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती है ग्राहक आए। और हमारे बहुत से लोगों ने एक लंबी तपस्या करने के पश्चात इस शहर को इस मुकाम तक पहुंचाया है। तो हमारा फर्ज भी बनता है अपने उन बुजुर्गों को याद करें, उनको नमन करें। और इस संदर्भ में मैं आपसे अनुरोध करता हूं, जितनी आपके पास जानकारियां हैं वो मुझे दें। कल से हम अपने 10 एपिसोड के अंदर इस सीरियल को बनाना चाहते हैं। आप सबसे अनुरोध कि ज्यादा से ज्यादा इसमें सहयोग करें, तब एक अच्छा बन पाएगा। हम नहीं रहेंगे, हमारे पूर्वज चले गए, हम भी चले जाएंगे, इतिहास अमर हो जाता है। अपने उन पूर्वजों को अपने वीडियो के माध्यम से, शायद जो आज बिल्डिंगें हैं, आज जो मीनार बनी हुई है, आज हमारे धार्मिक स्थल बने हुए हैं, शायद ये 50 साल के बाद में नहीं रहे, इनका पुनर्निर्माण होगा, पर ये कैसे होंगे, इसके लिए हम इनको दर्शाएं और अपने पूर्वजों को नमन करें, उनको एक बार याद करें और उनको दर्शाने का प्रयत्न करें, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों को इसका लाभ मिले। इतिहास क्या है? इतिहास यही हमें सिखाता है, जो पहले हमारे पूर्वजों से गलती हुई, आगे गलतियां नहीं होनी चाहिए। और जिन लोगों ने तपस्या की है, जिन लोगों ने हमारे मानव निर्माण के लिए जो उन्होंने त्याग किया है, उनको नमन करना चाहिए। और अगर हम ऐसा करते हैं तो जीवन को हम सार्थक कर पाएंगे। और इसी अनुरोध के साथ में आप सब लोग आइए, साथ जुटिए और इस काम में सहयोग दीजिए। उम्मीद है कि अच्छा इतिहास बनेगा। फिर मिलेंगे। जय श्री राम।